करनाल के असंध हलके में आज कांग्रेस की परिवर्तन रैली हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शिरकत की। सुरजेवाला ने जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कई मुद्दों को लेकर भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि डीई और इनकम टैक्स को मोदी और शाह डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल वोहरा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर चार्जशीट हुए बदले की भावना से यह लोग हमें दबाना चाहते हैं, ना हम झुकेंगे ना ही चुप रहेंगे और लोगों की आवाज को उठाएंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान विवाद पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बेईमानी की गुगली फेंकी, जिस पर सरकार उलझ कर रह गई। सिद्धू जी व्यक्तिगत रूप से वहां गए थे, किसी से पूछना है तो मोदी जी से पूछा जाए। देखिए, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने स्वयं ये बयान दिया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कोई बेईमानी की गुगली फेंकी जिसमें सरकार उलझ कर रह गई। सिद्धू जी तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में वहां गए थे। पहला प्रश्न अगर आदरणीय मित्र किसी से पूछा जाना चाहिए तो वो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी आजकल ईडी और इनकम टैक्स को भाजपा के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 51 वर्षों से कभी भी हरियाणा में चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े गए, ये वास्तविकता है। हमारा ये मानना है कि वो नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, पंचायत हो, ये एक तरह से पूरे शहर या गांव की का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं हैं और यहाँ दलगत राजनीति का स्थान नहीं। दुर्भाग्य से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4.5 साल से करनाल जिला बदहाल किया और हरियाणा का किया बुरा हाल, और अब बचकानी बातें करके वो अपने पद की गरिमा और उनकी उम्र, जिसका हम आदर करते हैं, उन दोनों को धूमिल भी कर रहे हैं और अपमानित भी। ये बताएं कि असंध से करनाल तक की सड़क जो गढ़े हैं और गढ़ों के अंदर कहीं कहीं शायद सड़क बची है, वो कब बनेगी? आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।